अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ हीना और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल हीना बी हेल्दी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ मेरे सब्सक्राइबर की, जिन्होंने 6 साल बाद प्रेगनेंसी कंसीव की है विदाउट एनी मेडिसिन और ट्रीटमेंट। इनको खुद भी यकीन नहीं था कि 6 साल बाद ये बिना किसी डॉक्टर के इलाज के गर्भ धारण कर लेंगी, वो भी मामूली से टिप से। आइए देखते हैं इन्होंने 6 साल बाद कैसे कंसीव किया, कौन से टिप फॉलो की और इनको क्या प्रॉब्लम थी। अगर आप भी बहुत सालों से ट्राई कर रहे कंसीव करने के लिए और आपको गर्भ धारण नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए ताकि आपको भी कुछ बेहतरीन टिप्स मिल सके, ताकि आप भी जल्द से जल्द माँ बन सके। तो चलिए फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मेरी सब्सक्राइबर का नाम है सुमित्रा पटनायक। हेलो मैम, अब आप कैसी हो? भगवान सब ठीक करेगा। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ क्योंकि मेरी पीरियड बहुत इरेगुलर है पिछले 10 साल से। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं प्रेग्नेंट हो पाऊँगी, वो भी बिना डॉक्टर ट्रीटमेंट के। लेकिन मैं आपकी ओवुलेशन ड्रिंक, लेग अप दी वॉल पोजिशन और कुछ एक्सरसाइज फॉलो करके प्रेग्नेंट हुई। आज मेरा 6 मंथ चल रहा है, वो भी सिर्फ आपकी टिप फॉलो करके। सो थैंक यू सो मच मैम। आप कभी ना फेक हो, ना फेक हो सकते हो, ना फेक सिंपैथी चाहते हो, ये सब छोटे लोगों की सोच होती है, आप उन लोगों को इग्नोर कीजिए। इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन, थैंक यू सो मच मैम। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं सुमित्रा पटनायक ने अपना पॉजिटिव फीडबैक हमारे साथ में शेयर किया है। 10 साल से इनको इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से ये अपनी ओवुलेशन को ट्रैक नहीं कर पा रही थी। इरेगुलर पीरियड में ये प्रॉब्लम होती है कि ओवुलेशन को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और कभी कभी ऐसी महिलाओं में ओवुलेशन भी नहीं होता। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओवुलेशन बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसीव करने के लिए। जिन महिलाओं का ओवुलेशन नहीं होता है, ऐसी महिलाओं को इनफर्टिलिटी फेस करना पड़ता है और कंसीव करने में डिफ़िकल्टी आती है। अगर आपको भी इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम है, आपके अंदर ओवुलेशन नहीं होता, तो आप भी ओवुलेशन ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं और ओवुलेशन के दिनों में लेग अप दी वॉल पोजिशन ट्राई करके आप भी गर्भ धारण कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज इन्होंने भी फॉलो की है, जिसमें प्राणायाम है, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, चक्की आसन, बटरफ्लाई पोज, ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाते हैं। तो आप भी अपने घर बैठे इन सारे एक्सरसाइज को, योगा आसन को करके अपनी प्रजनन क्षमता को, अपनी फर्टिलिटी को नेचुरल तरीके से बूस्टअप कर सकते हैं और गर्भ धारण कर सकते हैं। इन्होंने 6 साल बाद अपनी शादी के गर्भ धारण किया है। अगर आप भी बहुत सालों से ट्राई कर रहे कंसीव करने के लिए और आपको गर्भ धारण नहीं हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप भी नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं। अगर आप कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी हमारी टिप्स फॉलो कर सकते हैं, और अगर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो भी आप हमारी टिप्स से नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं। अब तक हमारे चैनल से हज़ारों लेडीज़ ने वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में कंसीव किया है। यहाँ पे मैं आपको जितने भी टिप्स बता रही हूँ, ओवुलेशन ड्रिंक, लेग अप दी वॉल पोजिशन और एक्सरसाइज, इन सारे ही वीडियोस के ऊपर, इन सारे ही टॉपिक्स के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके आसानी से ये वीडियो देख सकते हैं और टिप फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट सभी महिलाओं को, जितने भी लोग कंसीव करना चाहते हैं, जितने भी लोगों को इनफर्टिलिटी है वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो आप हमारे चैनल से बिना किसी ट्रीटमेंट और मेडिसिन के गर्भ धारण कर सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। इसी तरीके के लेटेस्ट इनफर्टिलिटी टिप्स के लिए आप हमारे हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लेटेस्ट डाइट चार्ट मिलते हैं, ओवुलेशन कैलकुलेटर मिलते हैं, जिसको कैलकुलेट करके आप अपनी ओवुलेशन डेट निकाल के गर्भ धारण कर सकते हैं। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।